इसलिए जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर भेजना होगा, नेशनल असेंबली को तहलील करना होगा, नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए कोई भी पार्टी इक्तदार में आती है वो कौम को काबिले कबूल होगा, लेकिन जिस रास्ते से ये आए हैं ये काबिले कबूल नहीं है। तो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं और अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। अपने सारे केसेस खत्म, अपनी सारी इन्होंने आके जो कानून साजी की है वो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की है और अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं और अपने आप को भरपूर रिलीफ दे रहे हैं, अपने आप को ही NRO दे रहे हैं, NRO 2 दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये सब के सामने है कि यहाँ पर एक जुल्म का निज़ाम, एक बनाना रिपब्लिक जो है, जंगल का कानून जो है वो नाफिज किया जा रहा है, जिसकी ये कौम कतन आज़ाद इजाज़त नहीं देगी। और जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। आज पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात हों। अभी इमरान खान साहब ने जलसों का ऐलान कर दिया है, इंशाल्लाह जुमे को कराची में, कराची वाले तैयार हैं, कराची में जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा होगा, उसके बाद फिर हैदराबाद और हैदराबाद के बाद फिर रावलपिंडी और फिर आगे भी हर हफ्ते जलसे हम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कॉल दी और आप देखेंगे कि जिस तरह से लाहौर में लोग निकले उसी तरह से आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में। और ये अब ये जो मुहिम चल पड़ी है ये अब जारी रहेगी जब तक इलेक्शन जो है वो अनाउंस नहीं हो जाता। तो मेरा यही एक कहना था कि आज मैं जिस पर्चे के सिलसिले में आया हूँ, मेरे ऊपर ये पर्चा काटा गया है जो कि एक बेबुनियाद, एक बोगस किस्म का पर्चा है। साथ में मीडिया के साथियों को ये बताता चलूँ कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भरपूर इकदाम किए। मैं आपको बताऊं, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल हमारी हुकूमत लेकर के आ रही थी, हमारी एक मिनिस्ट्री लेकर के आ रही थी, हम ही ने उसकी मुखालफत की थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने उसकी मुखालफत की थी, बावजूद इसके कि हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। तो जमहूरी रवैये हैं इस पार्टी के अंदर। फिर पीका ऑर्डिनेंस को हमने टेकअप किया था। हम हर मैदान में और माजी में जिन चैनल्स पर पाबंदी लगी या कोई ट्रांसमिशन ब्लॉक हुई, हमारी कमेटी ने उसको भी उठाया। और अब जिन चैनल्स पर पाबंदी लग रही है, आज़ादी राय पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और याद रखिए, तमाम मीडिया के साथियों को यकजा होना चाहिए। अगर आज ARY न्यूज़ पर हुआ है तो कल किसी और पर भी हो सकता है, और सबको यकजा होना चाहिए। और कल ARY न्यूज़ को भी खड़े होना चाहिए जिसके साथ हो, और अगर माजी में किसी के साथ हुआ है तो तमाम चैनल्स को, तमाम मीडिया के साथियों को आपस में यकजहती दिखानी चाहिए। क्योंकि मामला इंटरनेशनली बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है कि जब आपके मुल्क के अंदर आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत पर हमले हों। तो हम आज़ादी राय और आज़ादी सहाफत के साथ खड़े हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने जुमेरात को आज़ादी सहाफत का जो है वो दिन मना रहे हैं और उसके ऊपर सेमिनार कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में जो आज़ादी राय और आज़ादी सहाफत है इस पर किसी किस्म की कोई कदहन वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे आपको ना भी दिया जाए तो आप बोल लेते हैं। जी। जी जी हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, वहाँ पे ये जी 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 हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और उस पर आप जरा सा स्टडी कर ले। नई ऑस्ट्रोट्रफ डल रही है, उसका PC-1 भी शायद हो चुका है, लेकिन माजी में भी उखाड़ी गई है। अब तो हम ऑस्ट्रोट्रफ को छोड़ दें, अब यह हुकूमत उखाड़ने के चक्कर में इंशाल्लाह। सर मोस्ट वेलकम, मेरा ख्याल है आप तो मेरे साथ अभी चले, हम जाके आपको तो तैयारियों में हिस्सा लेना चाहिए। आप इतने पुराने रेडियो के ज़माने के आप सहाफ़ी हैं, और आपने जो FM चैनल्स के लिए पाकिस्तान में जो शुरू हुए थे FM चैनल्स, आपने बच्चों को बड़ी ट्रेनिंग करवाई है, और आज वो बच्चे कहाँ चले गए हैं और आप अभी भी मुझसे वही सवाल कर रहे हैं। वो नहीं, मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है ILF की टीम का, कैसर जदून साहब, फैसर जदून और तूरी साहब, इनका सईद खान साहब, हाँ सईद खान, ये हमारे बड़े पुराने वैसे 97 से PTI में, और इन सब का मैं शुक्रिया, और पूरी टीम का, बाकी साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बर वक्त मुआवनत दी है। इस मुकदमे में भी ये जो पर्चा हुआ है, और ये हमारे भाइयों की तरफ से है, आप चैनल्स की तरफ से, किसी एक चैनल की तरफ से पर्चा है,
कोई मसला नहीं है, इसको हम हल कर लेंगे क्योंकि ये पर्चा बड़ा बेबुनियाद है। लेकिन मेरा पैगाम ये था वहाँ पर भी जब ये सिलसिला हुआ है, मेरा यही था कि क्यों लड़ रहे हैं भाई, किस चीज़ की लड़ाई है? दो शहरी वो क्यों लड़ रहे थे, किस चीज़ की लड़ाई थी? हमें देखें, सबको अल्लाह को जवाब देना है। बिला वजह की एक उन्होंने चीज़ शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी करना चाहूँगा, जहाँ इन ILF का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जिस किस्म का इम्पोर्टेड हुकूमत, जो तशद्दुद और जिस किस्म का जुल्म कर रही है, 25 मई आपके सामने है, 25 मई से पहले दो तीन दिन पहले इन्होंने लोगों के घरों में घुसकर जो चीज़ें की हैं, ख्वातीन के साथ, बच्चों के साथ, घरों में चादर और चादरवारी का जो तकद्दस है वो पामाल किया गया है, और उसके बाद फिर 25 मई को जिस तरह की शेलिंग की, जिस तरह की फायरिंग की, और उससे पहले जब ये हुकूमत में थे 2014 के धरने में गुजरांवाला में शुरू हुए, और फिर यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने 13 अगस्त और 14 अगस्त की, वो भी अगस्त का महीना था, 31 अगस्त की दरमियानी शब थी, जो इन्होंने किया, तो ये इनका तरीकाकार है जो चलने का नहीं है, जो चलने का नहीं है, क्योंकि ये कौम एक जागी हुई कौम है। तो आज भी जो ये तशद्दुद और जिस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये इस कौम को काबिले कबूल किसी सूरत नहीं है। ये इनके अपने नुकसान में जा रही है। आज आप इनके टिकट होल्डर्स जो के बहुत कम रह गए हैं, अभी आप देखिएगा जब इलेक्शन होता है, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ से ढूंढें। लेकिन उन लोगों से आप पूछें तो सही कि वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कि हमारी सियासत तो नीचे जा रही है, हमारे हलकों में हमारा वोट बैंक कम हो रहा है। इन हरकतों की वजह से यही होगा, जमहूरी रवैये अपनाने होंगे। ये कहते हैं मिसाक इकॉनमी करें, भाई इस वक्त आपको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान में, तब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। उसके लिए आपको मिसाक इकॉनमी नहीं, मिसाक इलेक्शन करना है, मिसाक इलेक्शन करना है, जो कौम का मुतालबा है, और कौम जो है वो अपना फैसला बार बार सुना रही है। और अगर नहीं पता चला तो अभी आप हमारे जो बैक टू बैक जलसे आ रहे हैं उनमें देख लीजिएगा साथियों। बहुत जी दोनों लोग जो थे इसमें उन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों खड़े थे वहाँ, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, और उनकी लड़ाई हो गई, और उसमें ना चैनल का कोई कसूर कि वहाँ पे वो खड़ा है जो लड़का, उसका बेचारे का क्या कसूर है? उस मैं चैनल वालों को कहूँगा यार, जुल्म की हद होती है, आप अपने कैमरामैन के ऊपर कैसे ये जुल्म कर सकते हैं? उस बेचारे की नौकरी को इन्होंने ख़तरे में डाल दिया है। देखिए, उसने मेरे पे पर्चा कराया है, लेकिन मैं उसके हक में बोल रहा हूँ कि उस बेचारे की नौकरी का सवाल है, आप उस पर प्रेशर मत डालें। आप उस मैं उस कैमरामैन के साथ खड़ा हूँ जिसने मेरे पे पर्चा कराया। लेकिन दूसरा सवाल ये है, हमारे इतने बड़े जलसे होते हैं, इतने बड़े जलसे होते हैं कि उसमें अवाम की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें उसमें मीडिया के लिए मज़ीद बेहतर अरेंजमेंट्स करने चाहिए। अगर कहीं पे कोई मसला हुआ है, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आइंदा से हमने मीडिया के लिए अलग इंक्लोजर जो है उसका बंदोबस्त करना है। वैसे तो हम करते ये हैं कि हम फीड दे देते हैं, आजकल हम लगा देते हैं, फीड लगा देते हैं, ताकि आप घर बैठकर भी उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लीन फुटेज जो मिलती है, मीडिया के साथ ही इस चीज़ को समझते होंगे, ताकि आपका टफ काम ना हो, हम आपको प्रोडक्शन की फीड दे देते हैं। तो बहरहाल इक्का दुक्का वाकयात अगर होते हैं, तो शहरियों से भी गुजारिश है, शहरियों से, ज़रूरी नहीं है तहरीक इंसाफ के कारकुनों, ठीक है, उनसे भी गुजारिश है कि सबका ख्याल रखें, आपस में मिलजुल के रहें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक दूसरे। क्या हो गया, मसला क्या? इस वक्त सिर्फ मसला ये है कि हम सब ने मिल के इस इम्पोर्टेड हुकूमत, जो एक ज़ालिम हुकूमत है, जो एक जबर की हुकूमत है, जो मीडिया पे सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो चैनल समझ रहे हैं ना कि ये हुकूमत उनके साथ खड़ी है, ये नहीं खड़ी है, अपने मुफादात के साथ खड़ी है, ये किसी चैनल के साथ नहीं खड़ी, ये याद रखिएगा, ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत अपने मुफादात के साथ खड़ी है, ये किसी के साथ नहीं खड़ी। बड़ी मेहरबानी।